नमस्कार छात्रों, इस चैनल में आपको स्वागत करता हूं। छात्रों, आज हम साक्षात्कार यानी इंटरव्यू लेखन के बारे में पढ़ेंगे और यह प्रश्न कई राज्यों के पब्लिक परीक्षाओं में एक विकल्प के रूप में आती है। तो चलिए पहले साक्षात्कार का अर्थ यानी परिभाषा देखेंगे। साक्षात्कार एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए आयोजित विचारों का आदान प्रदान है। साक्षात्कार एक दूसरे से संपर्क स्थापित करने का साधन। साक्षात्कार एक प्रकार की मौखिक प्रश्नावली है। साक्षात्कार की तकनीकी में साक्षात्कार लेने वाला तथा आवेदक आमने सामने बैठकर मौखिक विचार विमर्श करते हैं। तो अब देखेंगे साक्षात्कार लेखन के लिए सूचनाएं। साक्षात्कार लेखन स्वागत और नमस्कार के साथ आरंभ करना चाहिए। साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति के कार्यक्षेत्र से संबंधित प्रश्न ही पूछना चाहिए और साक्षात्कार के लिए उद्देश्य युक्त प्रश्नावली का होना आवश्यक है। साक्षात्कार प्रश्नों का एक निश्चित क्रम होना चाहिए। हाँ या नहीं प्रश्न पूछना नहीं चाहिए, नकारात्मक प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। भाषा की शुद्धता होनी चाहिए। कम से कम 7 से लेकर 10 प्रश्न तक पूछ सकते हैं। हाँ, अंत में धन्यवाद कहना ना भूलना चाहिए। अब देखते हैं अंक प्रदान करने के सूचक। साक्षात्कार के लिए इस तरह अंक देते हैं। व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने के लिए पूछे जाने वाले प्रश्न के लिए 1 अंक, विषयगत प्रश्न के लिए 2 अंक, प्रश्नों का क्रम अनुसंधान के लिए 1 अंक, वर्तनी की शुद्धता के लिए 1 अंक, पूरे 5 अंक मिलेंगे आपको। अगर आप इन अंशों पर ध्यान देकर लिखेंगे तो आपको पूर्ण रूप से अंक मिलेंगे। परीक्षाओं में इस प्रश्न के लिए कुछ बोर्ड एग्जाम में 4 अंक और कुछ राज्य के बोर्ड एग्जामों में 5 अंक होते हैं इस प्रश्न के लिए। साक्षात्कार हेतु एक नमूना प्रश्न और उसके उत्तर यहां पर देखिए। प्रश्न है, देश के राष्ट्रपति से साक्षात्कार के लिए प्रश्नावली तैयार कीजिए, और इसका उत्तर इस तरह लिखना चाहिए, देश के राष्ट्रपति से साक्षात्कार के लिए प्रश्नावली। नमस्कार जी, आपको हमारी पाठशाला की ओर से स्वागत है। पहला प्रश्न, आपका बचपन पढ़ाई के बारे में बता सकते हैं। दूसरा प्रश्न, विद्यालय में आपका सबसे अच्छा मित्र कौन है। तीसरा प्रश्न इस तरह पूछ सकते हैं, आपके जीवन का सबसे अधिक खुशी का दिन क्या है। और एक प्रश्न, आपके मार्गदर्शक कौन है, आपके प्रेरणादायी गुरु कौन है। बच्चों को विज्ञान पढ़ना है या गणित। भारत के नागरिकों के लिए आपका संदेश क्या है। और अंत में आप हमारे साथ अपने विचारों को बांटने के लिए आपको धन्यवाद। और एक साक्षात्कार को देखिए। प्रश्न है, पीवी सिंधु का साक्षात्कार लेने के लिए एक प्रश्नावली तैयार कीजिए, और इसका उत्तर, नमस्कार जी, आपको हमारी पाठशाला की ओर से स्वागत है, आपका पूरा नाम क्या है, बैडमिंटन खेलने की प्रेरणा आपको कैसे मिली, आप पहले पहल किस पर जीत पाए थे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपने पहले पहल कहां खेला है और किस पर खेला है, अब तक आपको कितने पदक मिले, रियो ओलंपिक्स में रजत पदक पाने से आपको कैसा लगा, बैडमिंटन के अलावा आप किन किन खेलों को पसंद करती हैं, आप इस खेल के बारे में हमें जानकारी दे सकेगी, आपके गुरु के बारे में क्या बता सकेंगी, हमारे छात्रों के लिए क्या सुझाव देना चाहेगी, इस तरह पूछ सकते हैं। और अंत में आप हमारे साथ अपने विचारों को बांटने के लिए आपको धन्यवाद। साक्षात्कार के लिए किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे अब हम देखेंगे।
किसी महान व्यक्ति से साक्षात्कार लेने के लिए एक प्रश्नावली तैयार कीजिए, इस तरह भी पूछ सकते हैं। और एक प्रश्न, अपनी पाठशाला संदर्शनार्थ आए हुए ग्रामाधिकारी से साक्षात्कार लेने के लिए पर्याप्त प्रश्नावली तैयार कीजिए। अपनी पाठशाला के वार्षिकोत्सव में भाग लेने विख्यात क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर आ रहे हैं, उनका साक्षात्कार लेने एक प्रश्नावली तैयार कीजिए। अपनी पाठशाला संदर्शनार्थ आ रहे विद्या शाखा अधिकारी से साक्षात्कार लेने हेतु प्रश्नावली तैयार कीजिए। किसी कवि से साक्षात्कार लेने के लिए प्रश्नावली तैयार कीजिए। किसी सफल खिलाड़ी से साक्षात्कार लेने के लिए प्रश्नावली तैयार कीजिए। आशा है आपको साक्षात्कार लेखन समझ में आया होगा।